हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया. रेलवे करंट अफेयर सुबह 9:30 बजे. रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे. रेलवे मैथ्स सुबह 11 बजे. रेलवे जर्नल साइंस दोपहर 12 बजे. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मैं हितेश मिश्रा फिर से आपके साथ हूं आरआरबी ग्रुप डी की रीजनिंग के साथ. आरआरबी ग्रुप डी की रीजनिंग के साथ सभी लोगों को वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग. सभी लोगों को शुभ प्रभात. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर. तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंडे जो है ना, मंडे जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं. तो मंडे जैसे आज है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डे. आज हमारा कौन सा हो जाएगा? छठा डे. आज हमारा हो जाएगा छठा, क्योंकि 5 हो गया था और सुबह के बजे हैं 10 AM. ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी का आज हमारा क्लास है. डे हमारा छठा है और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कैलेंडर और क्लॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया था. तो पहले हम लोग कैलेंडर पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? कैलेंडर के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक. ठीक है, और आज मैं कोई कमेंट वमेंट नहीं लूंगा. आज मैं सिर्फ क्या करूंगा, आज सिर्फ और सिर्फ जो है आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा. ओके डिया, तो शुरुआत करते हैं कैलेंडर से. देखो कैलेंडर हमें पता है कि हमारे पास पढ़ा तो मैं ये 7वां 8वां बार रहा हूं, लेकिन चूंकि डिमांड है बच्चों का इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है. ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे. ठीक है, तो हमें अगर देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसका कोड होता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 या 0. 7 या क्या पकड़ते हैं? 0 पकड़ते हैं. ओके, उसी प्रकार से हमें जो कोड पकड़ना है, तो यहां पर पहला चीज आपने ये देख लिया. अब इससे नॉर्मल क्वेश्चन क्या हो सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? एक चीज गौर करिए, हमारे पास दिन जो है वो 7 है. दिन कितना डियर? 7 है. तो 7 जब दिन है तो हमें जब क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा जनरली, तो हमारा रिपीटेशन 7 पे ही होगा. रिपीटेशन जो होगा वो 7 पे ही होगा. जैसे बोल दिया जाए कि यदि आज मंडे है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? इंग्लिश में इफ टुडे इज मंडे, विच डे विल बी आफ्टर 65 डेज. अब गौर करिएगा, यह बेहद आसान प्रश्न है. ऐसा जब भी आपको दिया रहेगा तो आप कुछ नहीं करिएगा, 7 से इसको डिवाइड करते हैं. 7 से आपको डिवाइड करना है, 7 से, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको दिए हुए दिन में जोड़ देना है. उसको दिए हुए दिन में क्या करना है? जोड़ देना है. तो दिए हुए दिन में जब जोड़ देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा. जैसे 65 अगर हमारे है, 65 को अगर हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तो 65 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो है वो किसके बराबर चला जा रहा है? तो 7, 9 या 63, 2 रिमेनिंग बच रहा है. जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है यहां पर, जैसे आप 7 से 65 को डिवाइड कर रहे हैं, 7 9 63, 2 बच गया, तो 2 जो है यहां पर जो रिमेनिंग बच गया वही आपका ऑड डेज होता है. वही आपका क्या होता है? ऑड डेज होता है. और उसको आप ऐड किसमें करेंगे? जो दिया हुआ दिन है उसमें. तो दिया हुआ दिन आपका कौन है? मंडे. मंडे प्लस 2 अगर कर देंगे तो ये ट्यूसडे के साथ किसके साथ चला जाएगा? वेडनेसडे के साथ चला जाएगा. किसके साथ चला जाएगा? वेडनेसडे के साथ चला जाएगा. तो आपका आंसर यहां पर किसके साथ चला गया? वेडनेसडे के साथ चला गया. क्लियर है? आज अगर मंडे है, 65 दिन बाद कौन सा दिन? तो मंडे में 2 जोड़ दिया हमने, ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन हो गया? वेडनेसडे हो गया. तो आपका आंसर यहां पर किसके साथ चला गया? वेडनेसडे के साथ चला गया. कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं? ओके, ये तो नॉर्मल चीज हो गई. इसके बाद अगर हम देखें जो हमें क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, तो उसका हम ट्रिक आपको सिखलाएंगे, ट्रिक आपको हम बतलाएंगे. ठीक है, कि हम लोग को करना कैसे, हम लोगों को सीखना कैसे. ओके, तो ये आपने देख लिया डे का कोड आपने. अब यहां पर मंथ का कोड होता है. मंथ का कोड कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा. जैसे मंथ का कोड जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. कैलेंडर और क्लॉक से पक्का एक क्वेश्चन आ रहा है डियर, कैलेंडर क्लॉक से पक्का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा. तो यहां से पूरा कोड हम लोग लिख लेंगे. कोड इसका क्या है? 033
6146 25035। इसको याद करने का दो तरीका है, एक तो ये कोलकाता का एसटीडी कोड है और बाकी याद कर लो 6146 25035 से। दूसरा जो आप कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि आपको यहां पर 033 आगे में है और 035 लास्ट में है और बीच में हो जाएगा 614 625, 614 और 625, तो बीच में ये आप कर सकते हैं, ये दोनों आप कर सकते हैं। क्लियर आइडिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, चीजें समझ में आ रही हैं। चलो अब इसका यूज क्या है, इसकी यूज क्या है वो आपको हम बता देते हैं, इसको यूज हम लोग कैसे करेंगे। अभी जो हम आपको कोड सिखलाएंगे वो दो पार्ट में सिखलाएंगे, एक जो कि आपको 1900 से 1999 तक का काम आएगा, दूसरा जो होगा वो होगा कि 2000 से 2099 तक का काम आएगा। इसको यूज कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है वो आपको हम बताएंगे। जैसे मान के चलिए कि हमें अगर दिया गया कुछ भी कि मान लीजिए दे दिया गया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया। तो हम अभी जो सीख रहे हैं शुरुआत में वो हम लोग सीख रहे हैं 1900 से 1999 तक का रूल, कहां से कहां तक का, 1900 से 1999 तक का, और उसके बाद सीखेंगे हम लोग 2000 से 2099 तक का। तो ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, तो 26 जनवरी 1950 को निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला ये होता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर लीप ईयर, और इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 7 से, किससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से। प्रश्न उठता है कि जनरल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है, जनरल ईयर जिसमें 365 दिन हो और लीप ईयर जिसमें 366 दिन हो, लीप ईयर ऐसा होगा जो 366 दिन वाला हो, और कैसे पता करेंगे, कोई भी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित है वो लीप ईयर कहलाता है। कैसे, मान लीजिए आपको दिया गया है कोई भी साल 1950 अगर देखें तो जो लास्ट का दो डिजिट है, खाली आप उसको डिवाइड करके देखिएगा, लास्ट का दो डिजिट पे ही काम करते हैं हम लोग, 50 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 है ना, 1 और 0 4 दूना 8, तो यहां पर 2, तो आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला जा रहा है 12 के साथ, आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला जा रहा है 12 के साथ, मतलब 50 वर्ष में हमारा लीप ईयर कितना होगा 12। कैसे, जैसे देखिए, जैसे 2000 के बाद 2004 लीप ईयर था, 8 लीप ईयर था, 12 लीप ईयर था, 16 लीप ईयर था, है ना, अगला 20 लीप ईयर होगा, तो वही चीज है। तो 1950 में अगर हम देखें तो 50 वर्ष में, हमारे 50 वर्ष में जो लीप ईयर की संख्या है 12 है, कैसे निकालते हैं हम लोग, तो 4 से विभाजित करते हैं, जितना इसका भागफल आता है वही लेते हैं, जितना भागफल आता है उसको लेते हैं। तो जैसे डेट हमारा है 26, मंथ का कोड हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि जनवरी है, तो 0 आपने ले लिया, ईयर में लास्ट का दो डिजिट लेना है, क्या करना है, अंतिम दो डिजिट, लास्ट टू डिजिट लीजिएगा, लास्ट टू डिजिट, तो लास्ट टू डिजिट कितना है बच्चा आपके पास 50, और लीप ईयर जो हमारे पास है, लीप ईयर हमारा कितना है हो जाएगा, तो 12। कैसे निकाले हैं, 50 को 4 से विभाजित किया, जितना यहां पर कोशियंट आया भागफल वही हमारा लीप ईयर है। अगर इसको हम सबको डिवाइड करते हैं तो 6 और 2 8, बाकी कुछ नहीं, 2 और 5 7 1 8, अगर हम 7 से इसको विभाजित करेंगे, क्योंकि कोई भी रूल है ये 7 से ही लगता है, रीजन क्या है इसका 7 से लगने का, क्योंकि हमारा दिन तो 7 ही है ना हमारे पास, तो 7 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें कोशियंट नहीं लेते हैं, इसमें शेषफल लेते हैं, इसमें रिमाइंडर को लेते हैं, तो 7 से जब आप 88 को विभाजित करिएगा तो 7 एकम 7 हो गया, 1 और 8 7 दूना 14 हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 4, रिमेनिंग तो ये 4 बचा, तो वही आप यहां पर 4 लिखेंगे, और 4 का मतलब आप जानते हैं, आपने कोड सीखा है अभी कि 4 होता है थर्सडे, 4 क्या होता है बच्चा थर्सडे, गुरुवार। तो यहां पर जो 26 जनवरी 1950 था डियर वो क्या हो जाता है गुरुवार था। तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इसमें, राधिका है इसमें, बहुत सारे लोग हैं, बिट्टू है, अभिषेक है ना, सोनम है, स्नेहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पर जो है चीजें कर रहे हैं। क्लियर डियर, कोई परेशानी नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं। यहां पर आपको इस प्रकार से आंसर हो गया 26 जनवरी 1950 थर्सडे था, गुरुवार था। फार्मूला क्या है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, इसको डिवाइड कैसे करना है बच्चा, तो इसको डिवाइड करना है 7 से, 7 से आपने डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर यहां पर 4 आ गया, 4 का मतलब यहां गुरुवार आ गया। अब यहां पर आप कहोगे सर इसमें जोड़े क्यों नहीं, तो जोड़े इसलिए नहीं क्योंकि स्टार्टिंग डे नहीं दिया हुआ, जब स्टार्टिंग डे दिया रहेगा तब हम लोग इसमें जोड़ते हैं।
एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इसका आंसर आप बताइएगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे और 2000 से 2099 को सिखलाएंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो आपको हम देते हैं और उसका आंसर जो है आप बताइएगा डियर कि क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उसका आंसर आपसे उम्मीद करते हैं कि 30 सेकेंड में आ जाएगा। मान लीजिए आपको हम दिए 10th मार्च है ना 1989 को कौन सा दिन था, ठीक है, विच डे वॉज ऑन 10th मार्च 1989, ठीक है। तो इसका आंसर आप करिए, 30 सेकंड का समय आपको हम देते हैं, आपको दे देते हैं थर्सडे, ट्यूसडे, मंडे और नन ऑफ दीज। तो आप इसका आंसर जल्दी करें, 30 सेकंड का टाइम आपके पास। बेहद आसान है ये, चलिए। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई कह रहा थर्सडे होना चाहिए, कोई कह रहा फ्राइडे होना चाहिए, कनिका है, शिवम है ना, उज्जवल है, अविनाश है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आंसर कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर अगर हम देखें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और इसको डिवाइड किससे करना है भाई साहब, 7 से। तो डेट हमारा कितना है 10, मार्च का कोड आपने क्या याद रखा है 3, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग जो बच्चे नए हैं उसके लिए, तो 3 आपने यहां रख दिया। और ईयर जो है हमारा, ईयर कितना है भाई, तो ईयर हम देख रहे हैं यहां पर हो जाएगा 89, लास्ट का दो डिजिट लेना है। और 89 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा, है ना, तो 89 वर्ष में लीप ईयर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 4 से अगर डिवाइड करें, 4 दुना 8, ये कैंसिल, 9 नीचे आया तो 4 दुना 8 तो ये 0 आ गया, तो 22 हो जाएगा यहां पे। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये 22 है ना, तो ये डिवाइडेड बाय 7 है, तो 9 2 11 3 14, बाकी कितना बच गया 1, 1 अगर यहां दौड़ें तो 1 1 2 2 8 10 2 12, 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो देखते हैं क्या होगा, 7 से 124 को डिवाइड कर रहे हैं, 7 एकम 7 ये हो गया 5 और 4 7 7 49 ये हमारा हो गया 5। तो हमारा जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, 5, 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, तो आपका जो आंसर है डियर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था इसका, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो किसके साथ चला जाएगा, फ्राइडे के साथ चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं किए, 10 3 और 89 और 22, 22 कहाँ से आया, तो 89 साल में 22 लीप ईयर होगा, तो सबको जोड़े तो 3 और 12 2 14 बाकी 2 सॉरी 1 1 1 2 और 8 10 2 12 124 को 7 से डिवाइड के रिमेनिंग 5 बचा, हमारा फ्राइडे हो गया। क्लियर है डियर, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम आपको सिखलाते हैं कि 2000 के बाद रहेगा तो कैसे करेंगे, है ना। तो यहां पर अगर हम आज का ही डेट वेरीफाई करें, मान लीजिए आज का डेट वेरीफाई करें, आज भी तारीख 10 है और 10 सितंबर है, 10 सितंबर 2018 अगर इसको वेरीफाई करें तो कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग देख लेते हैं 2000 से 2099 तक का कैसे निकालेंगे। और इसके पीछे जनरली नहीं देता है क्वेश्चन, तो ये आपको नहीं सोचना है कि सर इसके पीछे आ गया तो क्या करेंगे, उसका भी सिखला देंगे, वैसे परेशान नहीं होना। तो यहां अगर हम देखें, मान लीजिए अगर आपका पूछा जाए आज का कि 10 सितंबर 2018 आज का दिन वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे, आज है ना मंडे है आपको पता है, उसको वेरीफाई करते हैं, तो आपको पता है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और इसको हम लोग डिवाइड कैसे कर रहे हैं डियर, 7 से। फास्ट तो नहीं हो रहा ना, ज्यादा सीखते रहे, टाइम भी दे रहे हैं तुमको प्रॉपर, है ना।
और कमेंट करके फिर बताना, अगर दिक्कत होगी तो फिर दोबारा हम लोग करेंगे इसको। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आज बस कॉन्सेप्ट देंगे कैलेंडर का और इसके बाद हम देंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लॉक का। तो क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे ट्यूजडे को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, 10 प्लस मंथ सेप्टेम्बर है, सेप्टेम्बर का कोड है 5, ठीक है भाई। ईयर हमारा कौन सा है, तो देखो जब कभी भी ईयर 2000 से ज्यादा रहेगा, ध्यान से सुनना इस बात को, जब कभी भी ईयर 2000 से ज्यादा रहेगा तो क्या करना है कि 2000 से ज्यादा रहने पे इसमें से माइनस कर लेना है 1900 को। माइनस किसको कर लेना है डियर, 1900 को। तो यहां पर अगर हम देखें, माइनस अगर 1900 को कर लेंगे तो 118 हो जाएगा, कितना 118। ध्यान से दीजिए, जब भी कभी भी 2000 से ज्यादा होगा तो आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है 1900 से। तो यहां पर आप जब 1900 से माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर यहां पर किसके साथ चला जाएगा, 2018 में 1900 घटा लिया 118, 118 आपने लिया ईयर में लिख लिया। लेकिन लीप ईयर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 से विभाजित, तो 4 से इसमें विभाजित करते हैं, तो 4 × 2 = 8, 3 और 8 4 × 9 = 36। तो यहां पर लीप ईयर टोटल कितने हैं, 29। तो आपने यहां पर लीप ईयर में लिख लिया 29, ठीक है डियर। लीप ईयर में कितना लिख लिया, 29। तो यहां पर हमने क्या किया, 7 से विभाजित इसको कर दिया, 7 से विभाजित इसमें कर दिया। तो यहां पर अगर हम देखें तो कैसे होगा भाई, 9, 8, 17, 5, 22, बाकी बच गया 2, 2, 2, 4 और 1, 5, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं बचा 1। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा, ध्यान से देखते हैं। 7 से हम लोगों को 152 को डिवाइड करना है, तो 7 × 1 = 7, 2 × 14, 1 और 12, 7 × 1 = 7, ठीक है। तो ये तो 5 आ जा रहा है, 5 का मतलब फ्राइडे आ जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, 118 अगर है तो हमने कभी जोड़ में गलती नहीं कर दी, 9, 8, 17, 5, 22, बाकी 2, 2 = 3, 3 × 1 = 4, 4 × 2 = 6 होना चाहिए यहाँ पे, 4 × 2 यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो उसके बाद है फिर 1, तो अगर हम इसको अब डिवाइड करते हैं 2 को, तो 7 × 3 = 21, तो रिमेनिंग हमारे पास अब कितना बचेगा, रिमेनिंग हमारे पास अब जो है बच जाएगा, ये हो गया 2 और 2, 7 × 3 = 21, तो 1 बच गया रिमेनिंग। इसका मतलब यहाँ पर 1 का मतलब आज मंडे है, ये श्योर हो गए, ठीक है डिया, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। चलिए तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि आपको जो आज का डेट पूछा गया तो आपने इसका आंसर निकाला, जैसे 10 सितंबर 2018, तो डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7, 2018 में से 1900 क्यों घटा है, क्योंकि ये रूल है, 2000 से ज्यादा रहेगा तो 1900 घटा लेना है, 118 हमारे पास वर्ष आया, उसको हम लोग फिर 4 से विभाजित किए, तो 4 से विभाजित करने के बाद हमने देखा 29 लीप ईयर आया। तो यहाँ पर सबको जब जोड़े तो 9, 8, 17, 5, 22, बाकी 2, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, कुछ नहीं बचा, फिर 1, 7 से इसको डिवाइड किया 1 बचा, मंडे हो गया, ठीक है डिया। एक क्वेश्चन अभी आपको देते हैं, उसका आंसर आप बताइएगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से पढ़िए, है ना। और अभी इसके बाद हम क्लॉक का फिर कॉन्सेप्ट दे देंगे और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कैलेंडर का भी और क्लॉक का भी, ठीक है। चलिए तो इसका अगर हम देखें, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, मान लीजिए अगर पूछें 17 मई 2018 कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, विच डे वॉज ऑन 17 मई 2018। तो यहां पर आप इसका आंसर करिएगा, ऑप्शन आपको देते हैं या इसको चेंज कर देते हैं, 17 मई तुम लोग कैलेंडर देख के निकाल लोगे, है ना। तो ऐसा करते हैं 10 मार्च 2016 कर देते हैं, विच डे वाज ऑन 10 मार्च 2016, ये कर दिया हमने, क्योंकि अभी ये करंट में तुम लोग पीछे जाओगे कैलेंडर देख के निकाल लोगे, तो थोड़ा सा तुम लोग को टफ देते हैं, 10 मार्च 2016 कौन सा दिन था, विच डे वाज ऑन 10 मार्च 2016, मंडे था, ट्यूसडे था, थर्सडे था कि नन ऑफ दिस था। तो आप इसका आंसर बताइए जल्दी, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। सुनील, बहुत सारे लोग हैं, लक्की, सौरभ, मोनिका, वर्षा, अमन, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सूरज, रेखा, चलिए तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ
चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर बच्चों का आंसर वैसे आना शुरू हो चुका है तो हम कर देते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो कैसे होगा, 10 मार्च 2016 पूछा गया, ज्यादातर बच्चों का आंसर है 10 मतलब मार्च में दिया गया थर्सडे या ट्यूसडे। ठीक है, तो आप अगर देखें तो कैसे होगा, यहां पर देखिए 10 मार्च 2016 बोला गया ना, तब क्या करोगे, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, और इसको डिवाइड कैसे करना है बच्चा, 7 से, है ना। तो डेट आपका 10 है, मंथ का कोड 3, ईयर ना ले लोगे 116 साल में लीप ईयर कितने होंगे भाई, तो 29 होगा। रीजन क्या है, फरवरी पार हो चुका है तो यहां पर 29 आप ले लो और इसको सबको जोड़ो 7 से। जनरली इसका आंसर कुछ बच्चे मंडे कह रहे हैं, कुछ थर्सडे कह रहे हैं, देख लेंगे आंसर होगा क्या। तो 9, 6, 15, 3, 18 बाकी क्या बच गया, 1, तो 2, 1, 3, 1, 4 है ना, 1 हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं है। फिर 1 यहां से फिर से जोड़ लेते हैं, 9, 6, 15, 3, 18 बाकी 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 फिर ये वाला 1, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 14 बच गया, फिर 7 × 2 = 14 तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 4। रिमेनिंग कितना बचेगा डियर, 4, क्योंकि 22 × 7 = 154 होता है ना। ऐसे डिवाइड करके भी दिखा देते हैं आपको, 7 × 2 = 14 1 और 58 है यहाँ पे, 7 × 58 है तो 7 × 2 = 14 तो माइनस यहाँ पर 4 रिमेनिंग बच रहा है, तो 4 रिमेनिंग का मतलब कौन सा दिन हो गया, थर्सडे हो गया, मतलब गुरुवार हो गया। तो जनरली कैलेंडर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट था मेनली, अभी और भी चीजें हैं, और भी चीजें हम लोग सीखेंगे, परेशान नहीं होना आपको। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा मेरे उम्मीद से, है ना, कि कैसे डेट निकालते हैं। अब जो आपको हम सिखलाने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे कि रिपीट कब होता है कैलेंडर, कब आप यहां पर मतलब और भी जनरल क्वेश्चंस जो हैं, 5 मिनट का और कॉन्सेप्ट इसमें हम आपको देंगे कैलेंडर का, और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे क्लॉक में और वो आपको हम सिखलाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आगे चलते हैं और कैलेंडर के कुछ और भी चीजों को सीखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे ताकि कैलेंडर के कुछ नई चीज जब आप सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कुछ चीजों को मैं बता दूं कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पूछा जाता है कि लीप ईयर का रिपीटेशन कब होता है, लीप ईयर का है ना, लीप ईयर जो है उसका रिपीटेशन कब होता है, तो अगर हम देखें लीप ईयर जो है वो 28 साल बाद रिपीट होता है, 28 ईयर्स के बाद। जैसे 2016 का कैलेंडर जो है वो लीप ईयर था, तो 2016 का कैलेंडर जो है 28 साल बाद मतलब 2044 में रिपीट होगा। तो ये कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको देखना है और समझना है चीजों को। ओके, इसके बाद की अगर हम बात करें लीप प्लस वन ईयर, लीप प्लस वन ईयर, ठीक है, ये जो होता है 6 साल बाद रिपीट होता है, 6 ईयर बाद। जैसे 2017 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 2017 में 6 जोड़ दोगे तो 2023 में रिपीट होगा, किसमें, 2023 में रिपीट होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें जैसे कैसे क्यों रिपीट होता है, देखो 17 से जब हम 18 जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा, है ना, 18 से जब हम 19 जाएंगे तो हमारा एक दिन बढ़ेगा, 19 से जब हम 20 में जाएंगे तो हमारा कितने दिन बढ़ेगा भाई, तो एक दिन। 20 है लीप ईयर, आपको एक चीज हम बता दें, ये मैंने अभी बताया नहीं था कि जनरल ईयर में से जब हम अगले वर्ष में जाते हैं, जनरल से जब हम अगले वर्ष में जाते हैं, जैसे 1 जनवरी 2017 अगर मंडे है, ठीक है, तो 1 जनवरी 2018 जो हो गया होगा वो हो गया होगा ट्यूसडे। कहने का मतलब ये है कि जो लीप जनरल ईयर होता है, जनरल ईयर सामान्य वर्ष जो होता है उसमें एक दिन इंक्रीज कर जाता है। मतलब अगर जनरल ईयर में 1 जनवरी 2017 मंडे था तो 1 जनवरी 2018 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, 1 जनवरी 2018 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अगर ये लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर से जब हम अगले वर्ष में जाते हैं, जैसे 1 जनवरी 2016 अगर ये मंडे था तो 1 जनवरी 2017 होगा, ये जो हो जाएगा ये वेडनेसडे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, दो दिन बढ़ जाएगा। यहां पर आप गौर करिए, 1 जनवरी 2017 मंडे है तो ये ट्यूसडे हुआ, एक ही दिन बढ़ा, क्यों, क्योंकि जनरल ईयर से जनरल ईयर में गए।
या जनरल से लीप में जाएं चाहे जनरल से जनरल में जाएं, एक ही दिन बढ़ता है। लेकिन लीप से अगर हम अगले वर्ष में जाते हैं तो दो दिन बढ़ता है। याद रखिएगा इस चीज को, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये आप लीप ईयर पकड़ते कैसे हैं ये भी आपको सिखला चुके हैं। कोई भी वर्ष का लास्ट का दो डिजिट डिवाइड कीजिए, अगर वो चार से पूर्णता विभाजित है तो वो लीप ईयर होता है। चार से अगर पूर्णता विभाजित है तो वो लीप ईयर होता है। तो चार से पूर्णता विभाजित है इसलिए ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। क्लियर डियर? तो यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि 20 से जब हम 21 में जाएंगे तो दो दिन बढ़ेगा, क्योंकि 20 जनरल ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। तो लीप से जनरल में गए तो दो दिन बढ़ गया। 21 से जब हम 22 में गए तो एक दिन बढ़ा, 22 से हम 23 में गए तो एक दिन बढ़ा। अब गौर करो, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, जहां पर भी सात आ गया या सात का मल्टीपल आ गया, अगर कहीं सात नहीं आ रहा, स्किप कर गया, वहां आठ आ रहा है जोड़ के, तो 14 का वेट करेंगे। 14 नहीं आ रहा है तो 21 का वेट करेंगे। तो यहां सात आ गया, इसका मतलब जो है ये 23 में जाके कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। तो या तो आप ये मेथड अपनाओ, या आप सीधा जो सिखला रहे हैं लीप प्लस वन अगर हो तो आपको 6 साल बाद वो रिपीट करता है। लीप प्लस वन जैसे 2004 है लीप ईयर, तो 2005 क्या हो गया, लीप प्लस वन हो गया। तो 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2011 में। ठीक है, तो लीप प्लस वन ऐसे पकड़ते हैं और रिपीटेशन ऐसा होता है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि अगर लीप प्लस टू और थ्री ईयर हो तो कैसे करेंगे, लीप प्लस टू और थ्री ईयर हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, लीप प्लस टू और थ्री ईयर को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे कर सकते हैं भाई। तो यहां पर अगर हम बात करें लीप प्लस टू या थ्री ईयर को, तो हम लोग जो है उसको हम कैसे कर सकते हैं देखना। तो यहां पर हम कर सकते हैं उसको लीप प्लस टू या थ्री ईयर को ऐसे निकालेंगे। देखिए, उसका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद, 11 साल बाद रिपीट होता है। लीप प्लस टू हो या थ्री हो, इसका जो कैलेंडर है वो 11 ईयर के बाद रिपीट होता है। कितने साल के बाद, 11 साल के बाद। तो यहां पर अगर हम गौर करें, 11 साल के बाद रिपीट अगर हो रहा है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2018 का कैलेंडर होगा तो प्लस 11 करने के बाद 2029, और अगर 2019 का कैलेंडर होगा तो 11 साल करने के बाद 2030। आप बोलोगे सर इसको वेरीफाई करो, है ना, कि 2018 का कैलेंडर 29 में कैसे रिपीट होगा। तो देखिएगा यहां पर हम देखो, 18 से जब 19 जाएंगे एक साल एक दिन बढ़ेगा, 19 से 20 में एक दिन, 20 से 21 में दो दिन, 21 से 22 में एक दिन, 22 से 23 में एक दिन, 23 से 24 में एक दिन, 24 से 25 में दो दिन, 25 से 26 में एक दिन, 26 से 27 में एक दिन, 27 से 28 में एक दिन, 28 से 29 में दो दिन। अब यहां गौर कीजिएगा हम इतना दूर तक क्यों गए, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, है ना, 6 जो है एक साथ हो गया, 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो यहां पर गौर करने वाली बात है, 18 जो है वो कैसा ईयर है, जनरल, और ये 24 कैसा ईयर है, लीप ईयर। तो कभी भी जनरल ईयर जो है वो लीप ईयर में तो रिपीट नहीं होगा, जनरल ईयर में ही रिपीट होगा, और लीप ईयर जो है वो लीप ईयर में ही रिपीट होगा। तो 18 यहां 24 पे तो साथ पुर जा रहा है, लेकिन वो रिपीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि 18 जनरल ईयर है और 24 कैसा ईयर है, डियर, लीप ईयर है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर नहीं होके फिर हम आगे बढ़ गए, 24 से 25 में 2, 25 से 26 में 1, 26 से 27 में 1, 27 से 28 में 1, 28 से 29 में 2। तो यहां पर गौर कीजिएगा, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 9, 1, 10, 11, 12 और 12, 2, 14, मतलब क्या हुआ कि 2029 में वो कैलेंडर जो है रिपीट कर जाएगा जाके, किसमें, 2029 में। तो ध्यान क्या देना है फिर से सुन लीजिए, लीप ईयर 28 साल बाद, लीप प्लस 1 6 साल बाद, लीप प्लस 2 या 3 11 साल बाद रिपीट करता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, जनरल ईयर में एक दिन बढ़ता है और लीप ईयर में जो है वो दो दिन बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक आध क्वेश्चन आपसे करवा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए, तो यहां पर अब हम देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन को, और कमेंट हम आज कम ले पा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से सिखलाना है। तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, तो इसका आंसर आप बताइएगा। चलिए, तो यहां पर आपको हम बताते हैं, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, सर बता रहे हैं कि जैसे आवाज वगैरह में थोड़ी दिक्कत आ रही है आज, या वीडियो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है ना, कुछ मतलब जर्क आ रहा है, तो ये सर कह रहे हैं कि कुछ वहां पर टेक्निकल इशू है,
ऐसा वो कह रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो आज मैनेज कर लीजिएगा। अगर आवाज में प्रॉब्लम हो रही होगी या आपको जर्क लग रहा होगा या लग रहा होगा कहीं कि अचानक वीडियो वहां से यहां आ गया, कुछ ऐसा अगर लगा हो या हम कहीं रुक गए, ये सब हो सकता है कि टेक्निकल इशू की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आज एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका आंसर बताइएगा कि यदि मार्च की 15 तारीख को सोमवार है, मंडे है, तो 10 अक्टूबर उसी वर्ष कौन सा दिन होगा? इफ 15th मार्च इज मंडे, देन विच डे विल फॉल? On 10th October of same year. तो आपको ऑप्शन हम दे देते हैं, ये बेहद आसान है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना आपको, जो सिखलाए हम ऑप्शन देते हैं आपको हम, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है संडे, मंडे, वेडनेसडे और नन ऑफ दीज। तो आप इसका आंसर बताइए, मार्च की 15 तारीख को मंडे है तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? बेहद आसान ये प्रश्न है। चलिए 30 सेकंड का समय आपके पास, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर दे रहे हैं। चलिए तो इसमें आंसर कुछ लोगों का संडे आ रहा है, कुछ लोगों का मंडे आ रहा है ना। तो देख लेते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में आंसर क्या है वो हम बताते हैं आपको, है ना। प्रीतम है, अरुण है, किशोर है, संध्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंसर कर रहे हैं। चलिए तो यहां पर अगर हम देखें तो मार्च की 15 तारीख को मंडे है ना, तो मार्च से अगर हम देखें तो मार्च में हमारे पास जो है दिन, हमारे पास कितना बच जाएगा भाई, मार्च में रिमेनिंग दो जो है 16 है। मार्च की 15 तारीख तक तो हो चुका है, मार्च में रिमेनिंग डे देख लो, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप निकालना है आपको, 15 मार्च से 10 अक्टूबर का। फिर देखो मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 10। तो एक एक दो एक तीन और छः नौ, एक तीन चार तीन सात तीन दस तीन तेरह तीन सोलह तीन उन्नीस और एक 20, डिवाइड किया 7 से, तो 7 × 14 और इसको डिवाइड कर ही लेते हैं 209 को, तो 7 × 14 6 और 9 7 × 9 63, रिमेनिंग बच गया 6, है ना। रिमेनिंग कितना बच गया 6, तो यहाँ पर जो 6 रिमेनिंग बचा मंडे में, अगर हम 6 जोड़ेंगे तो मंडे का 1 होता है, 1 + 6 का मतलब 7, 7 का मतलब संडे। तो आपका जो आंसर है डियर किसके साथ चला गया, संडे के साथ चला गया, बेहद आसान था। फिर से देखिए कुछ नहीं किए, मार्च 15 से लेके 10 अक्टूबर के बीच का जो डे का गैप है वो निकाल लिए, मार्च का 16, अप्रैल का 30 दिन होता है, मई में 31 होता है, जून में 30 होता है, जुलाई में 31, अगस्त में 31, है ना, सितंबर में 30, अक्टूबर में 10, सबको जोड़ दिए, 209 को 7 से डिवाइड किए, रिमेनिंग हमारे पास कितना बच गया 6, तो मंडे स्टार्टिंग डे था उसमें हम 6 जोड़ दिए, तो हमारा आंसर जो है 7 आ गया, 7 का मतलब कितना हो गया, संडे हो गया। और यहां पर जो है आपको क्या करना है, वो वाला जो फॉर्मूला कोड लगाने वाला था वो कोड वाला यहां नहीं यूज करना है। रीजन इसका क्या है, यहां पर रीजन इसका ये है कि यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि ये डे बताओ, यहां पर एक डे दिया हुआ है, दूसरा पूछा जा रहा है, तो जब भी लिंक करने बोलेगा तो आप इसी नियम से बनाइएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कैलेंडर आप समझ गए होंगे। अब आपको कुछ क्लॉक का बता देते हैं और उसके बाद कल जब हम ट्यूजडे को पढ़ेंगे सुबह 10 बजे तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कैलेंडर तो आज कुछ कुछ आपने सीख ही लिया, अब आपको क्लॉक का कुछ सिखला देते हैं और उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजिली उसको बना लेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो यहां पर अगर हम बार बार कह रहे हैं, अगर कुछ भी साउंड इशू है या वीडियो रुक रहा है, स्किप कर रहा है, तो ध्यान से आप देख लीजिएगा, नाराज नहीं होना है, मैनेज करना। और आज हम कमेंट नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ, अरुण, ललिता, सौम्या, है ना, यहां पर वरुण, पीहू, विकास, लेकिन हम नाम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, लाइव भी बहुत सारे बच्चे हैं,
तो या जो बाद में देखेंगे वीडियो, सबके लिए यह है कैलेंडर और क्लॉक का। क्लॉक में मेनली क्या है हमारे पास, क्लॉक में तीन तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। एक पूछा जा रहा है एंगल पे, एक पूछा जा रहा है मिरर इमेज पे, एक पूछा जा रहा है वाटर इमेज पे। एक इस पे पूछा जा रहा है तो वाटर इमेज पे पूछा जा रहा है। ये तीन प्रकार का ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है डियर, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एंगल वाला जो प्रश्न है उसको कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला एक ही है, 11/2n इज इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई भी टाइम, जैसे अगर हम देखें, मान लीजिए अभी 10:35 लगभग हो रहा है, तो अगर हम उसका निकालें तो हमारा कैसे निकल सकता है, तो यहां पर 10:35 का एंगल निकालें या 2:10 का निकालें, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा, मान लीजिए 2:10 का एंगल पूछा गया, 2:10 का एंगल बताओ कितना होगा, 2:10 o'clock या हिंदी में बजे। तो ध्यान दीजिएगा 11/2, एम आपके पास 10 है, एम का मतलब मिनट। अब एंगल दो प्रकार का बन सकता है एग्जाम में, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो जनरली इंटरनल ही आंसर देते हैं, पर अगर इंटरनल नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में एक्सटर्नल दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल निकाल लेंगे 360 से माइनस करके। तो जैसे देखिए 2:10 का घड़ी का समय कैसा होगा, लगभग 2:10 का अगर हम देखें तो ये ऐसा बनेगा, एक के ऊपर एक दिखता है ना। तो यहां पर अगर हम देखें 30 into आवर में 2 है, प्लस माइनस थीटा तो निकालना ही है। तो ये 2 से 5 बार में चला गया, तो ये हो गया 55 और इधर से हो गया 60 इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा, ये आ रहा है -5 degree। तो जब ये -5 आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इधर भी माइनस रख लेना, क्योंकि एंगल कभी भी माइनस में नहीं आएगा, एंगल तो पॉजिटिव ही आएगा। तो थीटा को भी आपने क्या मान लिया, माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर 5 degree हो गया। कितना डिग्री हो गया डियर, 5 degree हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको, बेहद आसान ये प्रश्न था, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, थीटा का वैल्यू 5 degree आ गया। मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता है 10:40 पर कितना डिग्री होगा, है ना, 10:40 पर कितना डिग्री का एंगल होगा, 10:40 ओ क्लॉक, हिंदी में बजे, ठीक है। तो पहले आप बताइए, हम देख रहे हैं फार्मूला आप ही को लगाना है, 11/2m इज इक्वल टू 30 आवर और प्लस माइनस थीटा। तो आराम से लगाइए, मिनट आपके पास यहां पर 40 है, टाइम में आवर जो है वो 10 है, और थीटा आपको निकालना है। आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फास्ट, तब तक हम कमेंट ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलिए तो देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है अलग अलग, कोई 70, कोई 80, किस कुछ, तो देख लेते हैं। एक्चुअली अगर देखें 10:40 में कैसा सिचुएशन होता है, 10:40 में कुछ ऐसा होता है, ज्यादा एंगल का डिफरेंस नहीं होता है। तो देखते हैं, आप 11/2 हमने ऑप्शन नहीं दिया था आपको, है ना, ऑप्शन आपको नहीं दिया था। 11/2 एम का वैल्यू कितना, 40 इज इक्वल टू 30 into 10 और प्लस माइनस थीटा, ये कटेगा 20 बार में, तो यहां पर हो गया 220 और -300 इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा।
तो माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। बेहद आसान ये प्रश्न है, फिर से देखिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी रहा है इसमें 80 डिग्री का। यहां पर अगर हम देखें तो क्या बोला जा रहा है, 11 बाय 2 एम इज इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस थीटा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 11 बाय 2 इंटू यहां पर हम क्या कर दिए 20 से डिवाइड कर दिए, तो 220 को अगर हम 300 से घटाएं तो 80 आएगा, थीटा का वैल्यू 80 डिग्री आ गया। बेहद आसान ये प्रश्न है, इसको रिवर्स में ये पूछा जा सकता है दूसरे टाइप से कि 10 और 11 बजे के बीच कब 90 डिग्री होगा, है ना। कुछ पूछा जा सकता है 11 बजे के बीच, 11 बजे को देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे ताकि कैलेंडर के कुछ नए चीजें आप सीखोगे तो आपको पता चल। इंग्लिश में व्हेन देयर विल बी 90 डिग्री बिटवीन 10 एंड 11 ओ क्लॉक, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है कि देखो मिनट इस बार निकालना, हमें इस बार क्या करना है, मिनट निकालना है, यहां पर हमें टाइम निकालना है कि कब 90 डिग्री होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, 11 बाय 2 एम को एज इट इज रहने देते हैं, 30 इंटू आवर में हम लोग 10 को पकड़ेंगे, आवर में किसको पकड़ेंगे 10 को, क्योंकि 10 एवं 11 के बीच है तो स्टार्टिंग को हम लोग पकड़ते हैं। प्लस माइनस कितना पकड़ना है 90 डिग्री। अब यहां पर बात है कि प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्रश्न ये उठता है कि प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, 11 बाय 2 है, m इज इक्वल टू ये हो गया 300 और माइनस 90 करेंगे। रीजन क्या है इसका देखिएगा, रीजन ये है कि यहां पर 300 ज्यादा है और 90 कम है, तो यहां पर इसी वजह से ये होगा। तो m का अगर हम देखें, अगर हम निकालें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 में अगर हम 90 घटाना चाहें तो ये आ जाएगा 210, कितना आएगा 210 डिग्री, ओके। तो यहां पर अगर हम देखें 300 से 90 घटाया हमने तो 210 डिग्री आया, 210 गुना 2 और डिवाइडेड बाय 11, तो 420 बटा 11 अगर हम करें तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो तो 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे 420 को तो 11 तिया 33 और 9 और 0 तो 11 अठे 88 है ना 2, तो हम क्या देख रहे हैं, तो ये आ जा रहा है हमारा 38 2 बाय 2 11, तो ये मिनट है ना, इतना मिनट आ रहा है। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये हम बना सकते हैं ऐसे, 10 बजकर क्या पूछा गया है भाई, 10 बजकर पूछा गया हमें कितना मिनट, तो ये बोला जा रहा है 10 बजकर कितना मिनट हो जाएगा 38 2 बाय 11, तो 30 यहां पर होता है, 35 यहां पर होता है, 38 इनके बीच होगा ऐसे, तो ये जो है इस समय लगभग जो है, ये तो 12 हो गया, ये 11, ये 10, ये 9, तो लगभग जो है ये 90 डिग्री का बनेगा। तो 10 बजकर 38 2 बाय 11 मिनट पर आपका जो है कितना डिग्री का एंगल बनने वाला है, तो 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको, कोई परेशानी इसमें नहीं है, आगे बढ़े फिर। तो ये जो है 10 30 बाय 8 और 2 बाय 11 मिनट पर ये एंगल बनेगा, है ना। तो एक तो ये हो गया आपका, दूसरा आपको पूछा जाएगा, ये तो आपने देख लिया, मिरर इमेज अगर क्लॉक का पूछा जाएगा तो कैसे निकाल सकते हैं आप, ये दो प्रकार के क्वेश्चन आपके समझ में आ गए, दोनों इसी प्रकार से बनेगा। अगर मिरर इमेज से पूछा जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे, वो चीज देखिए, एंगल वाला आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। मिरर इमेज से पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए सीधा सीधा अगर हम देखें, पूछा गया कि बताओ कि 10 बजे का मिरर इमेज क्या होगा, ये हो गया मान लीजिए आवर हैंड और ये है मिनट हैंड, तो 10 बजे का मिरर इमेज अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा भाई, ये 10 उधर चला जाएगा, 12 वाला तो एज इट इज रहेगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, तो 10 इधर बज रहा है, ये उधर चला गया, 2 पे चला जाएगा, 12 एक छोड़ के 2 पे। अब ये निकालना है तो कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, इसको 12 बजे से घटा लेना है, 12 बजे से घटा लेना है किसको, तो जो गिवन टाइम होगा उसको, तो आप देख रहे हैं कि इसका ये 2 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 2, तो यहां पर आपको क्या करना है, जो भी गिवन टाइम होगा उसको 12 से घटा लेना है। अगर मान लीजिए कुछ और दिया गया, बोला गया कि 10 बजकर 30 मिनट का क्या होगा, 10 बजकर 30 मिनट का क्या होगा, तो 12 से इसको तो नहीं घटा पाएंगे, तो 12 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1160 लिख सकते हैं,
तो ये फिर क्या हो जाएगा, 30 इधर आया, 1 इधर आया, तो 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं। यहां पर ये क्लियर है कि अगर कभी भी आपको मिरर में पूछा जाए 12 से घटा दीजिएगा, या अगर 12 से नहीं घट रहा है तो 1160 से घटा दीजिएगा। 1160 कैसे आया, इससे 1 आवर ले लिए, इधर चला गया मिनट में, तो 60 मिनट हो गया। क्लियर है डियर, कोई परेशानी नहीं। ओके, अब आता है वाटर इमेज क्लॉक का कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन करवाएंगे, अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन कल करवाएंगे, कॉन्सेप्ट अभी सीख लीजिए। अगर आपको वाटर इमेज पूछ दिया जाए क्लॉक का, तो आप कैसे करोगे, है ना। वाटर इमेज ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए अगर हमें बोला जाए कि 3 बजे का वाटर इमेज बताओ क्या होगा, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, कितने बजे का पूछा जा रहा है, 3 बजे का। तो हम देख रहे हैं कि वाटर इमेज इसका कैसा हो जाएगा, है ना, ये पानी वाला पलटेगा क्या, तो ये जो है आवर हैंड, तो आवर हैंड तो एज इट इज रह जाएगा, तो ये 3 बजे जो है वो किस में चेंज होने वाला है फिर, तो मिनट हैंड नीचे चला जाएगा, आवर हैंड सेम टू सेम रहेगा, है ना, आवर हैंड सेम टू सेम रहेगा, मिनट हैंड नीचे चला जाएगा, है ना। तो इसका आप निकालिएगा कैसे, आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको निकालते हैं हम लोग 1830 से घटाते हैं, किससे घटाते हैं, 1830 से, तो 3 अगर आप घटाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। 3 को आप कितना बजे लिखते हैं, 15, 3 को कितना लिखते हैं आप, 15, या तो आप 15 लिखिए, या आप अगर 3 लिखते हैं इसको, है ना, तो आपका आंसर ही आ जाएगा 15 और 30। 15-30 का मतलब यहां पर आप जानते हैं कि 15-30 का मतलब 3-30 ही होता है, 15-30 का मतलब 3-30 होता है। या तो आप ऐसा करिए कि 15-30 को 15 को घटाइएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3-30 आ जाएगा, तो बात एक ही है घुमा फिरा के, तो आपका आंसर यहां पर 3-30 के साथ चला गया, है कि नहीं। मान लीजिए दूसरा अगर दिया जाए, बोला जाए कि अच्छा बताओ कि 10:50 का जो है वो क्या होगा, 10:50 का वाटर इमेज, 10:50 लगभग ऐसा होता है जैसा ऑलमोस्ट अभी टाइम होने वाला है, है ना, 10:50 ऐसा होता है। इसका अगर हम वाटर इमेज निकालेंगे तो ये तो नीचे जाएगा, ऐसा होगा, एक के ऊपर एक होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये नीचे ऐसा होने वाला है, इसको हम निकालेंगे कैसे, तो देखो 1830 से अगर हम घटाना चाहें 10:50 को तो नहीं घटेगा, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। ऐसा करें क्या, इससे 1 घंटा कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इधर कितना, 17, और 60 इससे इधर उधार लिए तो ये हो गया 90, है ना, और नीचे है 10:50, तो ये हमारा जो आंसर है ये हमारा किस पे चला जाएगा, ये 40 इधर हो जाएगा और ये 7 इधर हो जाएगा, तो 7:40 आपका इसका वाटर इमेज हो जाएगा। 10:50 का कितना हो जाएगा, 7:40, है ना, 7:40। आपको ये पता करना होता है, यहां पर माइनस करने के बाद पता चल जाएगा, इसमें क्या करना होता है, मतलब वाटर इमेज में 1850 से घटाइए या 1790 से घटाइए, बात एक, और अगर आपको मिरर इमेज पूछ दिया गया तो उसमें आपको 12 से घटाना है या 1160 से घटाना है। क्लियर है डियर, तो ये आपने आज देखा कैलेंडर को, क्लॉक के, आज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताया, कुछ प्रॉब्लम भी आई आज, कुछ मतलब आवाज का इशू हो रहा है या अब ब्लिंक ऐसे ऐसे कर रहा है, हम कमेंट नहीं ले पाए, तो नाराज आप लोग नहीं होइएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नाराज होंगे भी नहीं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना, और समझेंगे बात को, और ये आप ही के लिए था, मैंने पहले ही बोल दिया था थर्सडे को भी फ्राइडे को भी कि हम कमेंट नहीं लेंगे, सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आज हमें कॉन्सेप्ट देना था, ठीक है डियर। कल जो हम लोग आपसे मिलेंगे ट्यूसडे को, तो कैलेंडर का साथ साथ क्लॉक का क्वेश्चंस करवाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया जरूर लाइक करें, जल्दी से जल्दी कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, कैसा लगा बताइएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा, और मिलते हैं कल नए जोश नए एनर्जी नए ताकत के साथ सुबह 10 बजे, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खूब पढ़िए, तरक्की कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।